हेलो एंड वेलकम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ रिमी। इस वीडियो पे आप देखेंगे ये बहुत खूबसूरत लिक्विड एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन जिसको मैंने एक प्लेन टॉप के ऊपर किया है। आप इसको कोई भी कुर्ती के ऊपर, टॉप के ऊपर इसको ट्राई कर सकते हैं और ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और ये 3D आउटलाइनर मार्केट में बहुत ईजिली आपको कोई भी लोकल स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख सकते हैं कुर्ती के साइड पे इस तरीके से आपको पेंसिल से मार्क करना है, एकदम लाइट करके मार्क करें। और कुर्ती की कटिंग हो गई है, अभी स्टिचिंग बाद में करूँगी मैं। और यहाँ मार्क के ऊपर से ही इस तरीके से आपको सीधा लाइन कर लेना है। अगर आपके पास ये आउटलाइनर, 3D आउटलाइनर नहीं है, तो आप 0 नंबर राउंड ब्रश यूज़ करके भी बना सकते हैं, बट इससे काफ़ी आसान होता है और छोटी छोटी जो डिज़ाइन होती है इससे आप आसानी से कर सकते हैं। और कलर करने से पहले इसके नीचे कोई भी थिक पेपर रख सकते हैं, जैसे कि चार्ट पेपर या फिर आप इस तरीके से बोर्ड भी रख सकते हैं। और एक लाइन के बाद दूसरा लाइन एकदम साइड से इस तरीके से आपको और एक लाइन करना है। यहाँ भी आप पेंसिल से मार्क कर सकते हैं ताकि एकदम लाइन पूरा सीधा हो। और नेक के यहाँ मेरी अभी स्टिचिंग नहीं हुई है, इसलिए मैंने थोड़ी जगह छोड़ के मैं यहाँ कलर करूँगी। बट अगर आप कंप्लीट टॉप के ऊपर करते हैं तो आपको जगह छोड़ने की, कोई एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एकदम साइड पर देख सकते, आपको ट्यूब को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, एकदम हल्के हाथ से प्रेस करें। मेरी ये ट्यूब एकदम फुल है क्योंकि ये ख़त्म हो गई थी और इसके अंदर मैंने नॉर्मल जो एक्रेलिक कलर होती है मैंने ट्यूब के अंदर वही कलर फिर से रिफिल कर लिया है, क्योंकि ये ट्यूब थोड़ी ज़्यादा मुझे लगती है महंगी आती है, कलर उतना भी ज़्यादा नहीं रहती है। और अगर आपके पास इस तरीके से कोई ट्यूब है तो आप नॉर्मल एक्रेलिक कलर इसके अंदर फिर से आप रिफिल करके यूज़ कर सकते हैं। ऑनेस्टली मैं यह वही कर रही हूँ, तो सारे साइड पे देख सकते हैं इस तरीके से करना है। बस ये ड्राई होने से थोड़ी टाइम लगती है, जैसे नॉर्मल एक्रेलिक कलर आप ब्रश से जब यूज़ करेंगे ना उसमें बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, बट इसमें थोड़ी सी टाइम लगती है। और यहाँ मैं हेम के लिए थोड़ी जगह देख सकते, यहाँ यही मैं बोल रही थी, स्पेस मैंने छोड़ के कर रही हूँ। और एक देख सकते, मैंने यहाँ गलती से ट्यूब ऐसे प्रेस होके हाथ से गलती से यह कलर लग चुकी है। आप ऐसे गलती बिल्कुल ना करें, इसको मैं शायद बाद में मैनेज कर सकती हूँ कोई फ्लावर इसके अंदर करके इसके ऊपर। और एक लाइन ड्रॉ करना है इस तरीके से, जैसे कि साइड पे हमने की थी। यहाँ मैंने कोई पेंसिल से मार्क नहीं किया है, आप नेक के साइड पे पेंसिल से मार्क कर सकते हैं। अब मनपसंद के कलर यूज़ कर सकते हैं, डार्क कलर के ऊपर लाइट कलर से करें, लाइट कलर के ऊपर थोड़ी डार्क कलर से करें, अच्छा लगेगा। ब्लैक के ऊपर गोल्डन कलर से भी कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत होगा। अब एकदम सेंटर पे यहाँ पहले आप पेंसिल से थोड़ी सी एक डॉट कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पेंसिल से डॉट कर लिया है फ्लावर बनाने के लिए। बहुत सिंपल फ्लावर है, कोई भी इसको बना सकते हैं। देखिए फ्लावर बन चुकी है, अब इसके अंदर छोटी छोटी एक डॉट। अब एकदम इसके नीचे और एक फ्लावर, इस तरीके से सेम प्रोसीड्योर से तीसरे फ्लावर। अगर ये स्पेस आपकी ज़्यादा है तो आप यहाँ तीन, तो मैंने तीन फ्लावर बनाई है, आप यहाँ चार भी बना सकते हैं, चार या पांच, अगर आपकी ये यहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा है तो। कुर्ती के ऊपर, टॉप के ऊपर, दुपट्टा डिज़ाइन, प्लाजो के ऊपर, वॉल पेंटिंग, डोर पेंटिंग, बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। और इस टाइप के वीडियोस अगर आपको पसंद है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप किस टाइप की डिज़ाइन देखना पसंद करते हैं वो भी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ देखिए मैंने पेंसिल से इस तरीके से मार्क कर रही हूँ, बट यहाँ आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। स्केल से क्या होती है, बहुत एकदम आपको इधर उधर होने की कोई चांस नहीं होगा, सब एकदम इक्वल होगा, बहुत अच्छा होगा, आप यूज़ कर सकते हैं। बट ये कलर मेरी अभी ड्राई नहीं हुई है, इसके ऊपर स्केल अगर बिठाऊंगी तो उस पर कलर लग जाएगी, तो इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया है।
आप पूरा पेंट करने से पहले अगर आप स्केल से इस तरीके से मार्क कर लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। हीरा बहुत आसान, इसको ज़रूर ट्राई करना कोई भी टॉप के ऊपर या फिर सूट के ऊपर, कुर्ती के ऊपर, कोई प्लेन ड्रेस के ऊपर आप इसको ट्राई कर सकते हैं या फिर कोई लॉन्ग गाउन के ऊपर भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सेम डिजाइन ही सारे में करना है। আর বাঙালি হলে তোমরা আমাকে বাংলায় কমেন্ট করতে পারো, কি জানতে চাও বলতে পারো, বাংলাতে সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। আর তোমরা যদি কাটিং স্টিচিং এইসব ড্রেসের কাটিং স্টিচিংয়ের ভিডিও দেখতে চাও আর ব্লগের ভিডিও দেখতে চাও, আমার চ্যানেলের আর একটা চ্যানেল আছে, লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে আছে, ওটা একবার দেখে নিতে পারো। আর ইসকো ওয়াশ করতে গেলে কোই বাত নেই, ইসকো নর্মাল আপ হ্যান্ড হাত সে ওয়াশ কর সকতে হ্যায়, ইসকে মেশিন কে অন্দর বিলকুল মত দিজিয়ে। आप कोई भी डिटर्जेंट से जैसे माइल्ड डिटर्जेंट यूज़ करके इसको हाथ से वॉश करें। अब इस साइड पे भी करना है, देख सकते हैं। ये जब मैं पेंट कर रही थी तब ऑनेस्टली मुझे लग रहा था ये उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ये वीडियो मतलब सोच रही थी इसको नहीं डालूंगी, बट बाद में मैं देख रही हूँ इतना खूबसूरत लग रहा है ऑनेस्टली। अगर ये अच्छा नहीं लगता, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ है जो मेरे हस्बैंड रिजेक्ट कर देते क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है कुछ जो जो डिज़ाइन बहुत सिंपल हो जाती है, मैं कभी वीडियोज़ में नहीं देती हूँ। इसको भी मैं सेम सोच रही थी, बट ये बहुत खूबसूरत है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। और ये सारे ड्रेस मैं खुद मैं घर पे पहनती हूँ, अगर आप मेरी ब्लॉग की चैनल देखेंगे तो आपको पता है। तो बॉर्डर पे बहुत सिंपल था, तो मैं सोची थी बॉर्डर पे भी कुछ ऐसा करूँ, बहुत ज़्यादा ना हो क्योंकि ऊपर में ऑलरेडी कुछ हैवी है, तो इसलिए बॉर्डर मैंने बहुत मिनिमम रखा है यहाँ, सेम जैसे कि साइड पर की थी। और ये जो ड्रेस अभी मैं आप देख रहे हैं इसको भी मेरी चैनल पे आपको मिल जाएगी। और ये जो फ्लावर थी ना, तो यहाँ ज़्यादा गैप था तो मैंने सोचा ये आपको कुछ फ्लावर बना देती हूँ, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, यहाँ ज़्यादा गैप था इसलिए मैंने किया है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वेरी वेरी गुड डे। ये देख सकती, ये है आफ्टर कम्प्लीट, यहाँ भी थोड़ा एक दो फ्लावर बना दिया है। Thank you so much. Take care. Bye. See you soon. Last again. It's for you.